गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के तहत कुछ ऐसे टर्मोलॉजी के बारे में सीखेंगे जो हमें मदद करेगा बुक को पढ़ने में और समझने में। सबसे पहला टर्म है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मीन्स किसे कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? तो कमिया, तो इसका डेफिनेशन है, इट इज द साइंस और प्रैक्टिस, इट इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूड कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, इंक्लूड कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सोइंग, एडिंग मैन्यूर and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage are called agricultural practices. तो क्या हुआ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में? इट इज द साइंस, या एक ऐसा साइंस है, या एक ऐसा प्रैक्टिस है। किसका प्रैक्टिस? तो फार्मिंग का प्रैक्टिस। किसका प्रैक्टिस? खेती का प्रैक्टिस। इंक्लूड, जिसमें शामिल है कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, कोरते कैसे हैं, कैसे उसको मिट्टी, कैसे उसका मिट्टी ढीला करते हैं, कैसे उसको क्या कहते हैं समतल करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, किसके लिए हम लोग कल्टीवेट करते हैं सॉइल का? क्रॉप्स के ग्रोइंग करने के लिए। क्रॉप्स मतलब क्या है? कोई भी सीड अगर हम जमीन में डालेंगे तो हम चाहेंगे ना उससे प्लांट निकले, कैसा नहीं कि डाल दिए केवल छोड़ दिए, नहीं निकले या निकले ना निकले, ऐसा तो नहीं। हम कोई चीज बीज अगर बोते हैं जमीन के अंदर तो मुझे आशा रहती है वो जल्द से जल्द फर्टिलाइज करके एक प्लांट में रूप में बाहर आ जाए और वहां से हमें कुछ फ्रूट्स मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद अगर सोइंग मतलब बीज को बोते हैं जमीन के अंदर, एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स, जब हमारा प्लांट जर्मिनेट होकर के सीड जर्मिनेट होकर के बाहर आता है और प्लांट का फॉर्म लेता है, उसे मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। साथ साथ जब वो प्लांट बड़ा होने लगता है तो उसे वाटर की भी जरूरत होती है, जिसको कहते हैं हम लोग इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हुआ कि वाटरिंग। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जब प्लांट बड़े होते हैं तो उस पर खतरा भी बढ़ाने लगता है। किसका खतरा? जर्म्स का खतरा, कीटाणु का खतरा, वीड्स मतलब खरपतरा, खरपतवार जो खेत में अनचाहे प्लांट निकल जाते हैं, जो हमारे फसल जो है, जो हमारा मेन प्लांट है उसको बढ़ने नहीं देता है। वो वीड्स को हम लोग क्या करते हैं? उखाड़ फेंकते हैं या कुछ ऐसा केमिकल यूज करते हैं, कुछ ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो कि वीड्स खेत में ही गल के समाप्त हो जाए और वह खाद बन जाए। फिर क्या है? हार्वेस्टिंग, जब हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है, उससे फ्रूट्स निकलता है, जब हमारा उसमें अनाज निकलता है तो हम खेत से उसको वापस ले आते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं किसी स्टोरेज हाउस में। जो छोटे स्तर के किसान हैं वो एक ट्रंक कोठी बना करके रखते हैं या एक ड्रम बना करके रखते हैं, ड्रम में रखते हैं उसको, बड़ा बड़ा ड्रम रहता है। और जो बड़ा सा स्टोरेज हाउस रहता है उसमें बड़ा बड़ा ड्रम रहता है जिसमें कि लाखों टन अट जाता है, उसमें आ जाता है। तो अब आइए दूसरा हम लोग टर्म देखे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है? ये टर्मोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में यूज होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में यूज होता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स, तभी आपको हम समझाए थे अगले वैल्यू वॉल्यूम में, जिसमें हम लोग बर्ड्स का क्या करते हैं? प्रैक्टिस ऑफ पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम लोग एनिमल का पालन करते हैं, एग्रीकल्चर टू मैक्सिमाइज द यील्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द चेंजिंग ह्यूमन नीड विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स क्या हुआ? किसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस? जो मुझे प्रकृति के माध्यम से मिला है, जो परमानेंट है। क्या क्या सब है? तो सनलाइट, वाटर, एयर,
ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। सॉइल क्या है, बैलेंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, सो दैट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जेनरेशन कैन बी बेनिफिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है यह एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें पोल्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री का, एनिमल पालन का एंड एग्रीकल्चर टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ ऑर्डर, यील्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, एक ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है जो कि ह्यूमन के नीड को पूरी तरह से फुलफिल करता है, किसके विदाउट डिस्टर्बिंग द, क्या कहते हैं, नेचर, बिना नेचर को डिस्टर्ब किए हुए ह्यूमन के नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल करता है, इन द सेंस ऑफ फूड्स, इन द सेंस ऑफ वेजिटेबल्स, इन द सेंस ऑफ, इसके क्षेत्र में पोल्ट्री के क्षेत्र में, एनिमल के क्षेत्र में, मीन्स कहा जाए कि टोटल सोर्सेस ऑफ फूड के लिए ये क्या है, ये जो हमारा रेस्पॉन्सिबल है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो कैन बी बेनिफिटेड, जो हम लोग को मदद मिलता है, जिससे हमको मदद मिल सकता है। नेक्स्ट है, इन इट्स इंक्लूड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में शामिल है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब क्या हुआ, हम लोग क्रॉप्स को मिक्स करके उपजाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्रॉप्स हम लोग खेत में एक ही साथ ले लेते हैं, एक कम टाइम का पीरियड वाला, एक ज्यादा टाइम पीरियड वाला। जो कम टाइम पीरियड वाला होता है वो जल्द से जल्द निकल जाता है, जो लास्ट टाइम का पीरियड वाला होता है वो खेत में रह जाता है, और मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग, इंटर मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं इंटर में पढ़ते हैं, इसका अर्थ हुआ कि मैट्रिक और बीए के बीच, मैट्रिक और बीएससी के बीच, इंटर, इंटरनेशनल, दो देश के बीच, इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच। तो इसका मतलब हुआ कि इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग मतलब दो क्रॉप के बीच का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, दो सीजन के क्रॉप के बीच इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग। फिर है एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सभी चीज जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है। इतना चीज तो हम लोग देखिए, ये सभी चीज किसको मदद करता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को मदद करता है, और हम लोग या मेन पॉइंट हम लोग कह सकते हैं फूड को प्राप्त करने में मुझे मदद करता है, चाहे वो फूड ग्रेन्स के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रूट्स के फॉर्म में हो, या वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, किसी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेन्स के बारे में देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। व्हाट इज क्रॉप्स, क्रॉप्स आर द प्लांट्स, यह एक प्लांट्स है, ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ओवर ए लार्ज एरिया बाय ह्यूमन बींग्स टू ऑब्टेन फूड, फॉडर फाइबर्स, टिम्बर्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स लाइक, क्रॉप्स का आप कह सकते हैं कि सीरियल्स लाइक व्हीट, कॉर्न, बाजरा इटीसी, यूज्ड फॉर फूड फॉर ह्यूमंस आर कॉल्ड क्रॉप्स। मुझे समझ में आता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्रॉप्स किसे कहते हैं। क्रॉप्स एक ऐसा प्लांट्स है जो कि कहा जाए कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, क्या है, क्रॉप्स जो है सेम काइंड ऑफ प्लांट्स होता है जो कि ग्रो किया जाता है एक बहुत बड़ा एरिया में, लार्ज एरिया में, किसके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जो उपजाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फार्मर्स, या हिंदी में कहते हैं किसान। टू ऑब्टेन फूड, वो किसान क्या करता है, कल्टिवेशन के माध्यम से फूड उत्पन्न करता है, और वह फूड याद हो सकता है ग्रेन्स के फॉर्म में या फॉडर क्रॉप्स के फॉर्म में। फॉडर क्रॉप्स मतलब क्या हुआ, जो कि हमारे पशु सब भी उसका व्यवहार करता है, उसको अपना भोजन के रूप में खाता है। टिम्बर्स मीन्स लकड़ी के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, और अनाज के फॉर्म में, व्हीट, कॉर्न, बाजरा इटीसी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप्स। तो चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी की ओर। हाँ तो बच्चों इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनूटली चीज है, इसे समझना है। क्रॉप्स प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स, फ्रूट्स,
फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांटेशन आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांटेशन इट इज स्टडी अंडर स्पेसिफिक टर्म्स सच एज एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरिकल्चर। कहने का तात्पर्य है कि क्रॉप प्लांट्स जो भी हैं हमारा, जिसमें हम लोग सीरियल्स के बारे में अभी पढ़े, और दूसरा फ्रूट्स है और फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, साथ साथ वेजिटेबल्स, इस सब का जो स्टडी होता है, इस सब का जो कल्टीवेशन का जो स्टडी होता है वो अलग अलग ब्रांच के तहत होता है। जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के तहत होता है, डील्स विथ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। एग्रोनॉमी के तहत क्या होता है, क्या स्टडी करते हैं हम लोग, डील्स विथ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर के तहत क्या होता है, इट डील्स विथ फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का स्टडी हम लोग हॉर्टिकल्चर के तहत करते हैं। अगर कोई कहता है कि हम हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं, इसका मतलब है वो फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्टीवेशन करता है। अगर कोई कहता है कि मैं ओलेरिकल्चर फार्मर्स हूं, इसका अर्थ है इट डील्स विथ वेजिटेबल्स ग्रोथ एंड मैनेजमेंट। अगर कोई ओलेरिकल्चर फार्मर्स है तो वो वेजिटेबल्स का केवल खेती करता है, इसलिए कहता है ओलेरिकल्चर ब्रांच के तहत यह केवल वेजिटेबल्स को डील्स करता है। समझ गए होंगे कि क्रॉप प्लांट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांटेशन। इट इज स्टडी अंडर स्पेसिफिक टर्म्स सच एज एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरिकल्चर। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उसको विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, तो सभी प्रकार को हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कितने कितने टाइप्स में बांटा गया है।